नेशनल खबर सब पर नजर। बुखार होना एक नॉर्मल बात है। उस बुखार वो बुखार डेंगू का है या चिकनगुनिया का है या सिंपल फीवर है या वो बुखार मलेरिया का है, ये आप अंदर झांक के देख ही नहीं सकते। जो बोल दिया वो सही है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और तो अब आता है 3-step diet टू फाइट द वायरस इन 3 days। और वंस यू आर ऑन दिस डाइट, वो वायरस कोई भी वाला वायरस हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, H1N1 हो, इट विल जस्ट टेक 3 days, ओनली 72 hours। तो आज मेरा जो मकसद है ना केवल ये नॉलेज आप तक पहुंचाने का, ये आपके माध्यम से आपके आसपास के लोगों तक पहुंचाने का। लेकिन तो करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू। तो अगली बार जब 103 या 104 के करीब आएगा, याद कीजिए मेरा ब्रेना सुल्तान बन गया है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको अपने कॉन्फिडेंस में रहेंगे और आप देखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। वो जो कुछ 1 घंटे होते हैं, 1 या 2 घंटा, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, उस वक्त आप क्या कर रहे हैं। सो क्या करना है, कोल्ड कॉम्प्रेस अगर 103 से ऊपर जाता है एंड 3-step diet। कोल्ड कॉम्प्रेस क्या होता है, बड़ा सिंपल है। एक इतना बड़ा टावल लीजिए और उसके 4 टुकड़े कर दीजिए छोटे छोटे, 1 फिट बाई 1 फिट के, 4 टुकड़े 1 फिट बाई 1 फिट के ऐसे टावल ले लीजिए। और एक बड़ा सा 2 बाल्टी ले लीजिए और 1 बाल्टी में बर्फ वाला पानी और 1 बाल्टी खाली, वो 4 टुकड़ों को आप पानी में डालिए, राइट, तो ठंडा पानी उसमें आ जाएगा पूरा, राइट। और उसको निचोड़ के, बहुत ज़्यादा भी निचोड़ना नहीं है, एक को तो सिर पर रखिए और बाकी 2 को ये काफ में ज़्यादा ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड क्रॉस हो रहा है, तो वो ब्लड क्रॉस हो रहा है तो वो ठंडा करने का काम करेगा काफ में। दोनों काफ में अपने पट्टी लगा दिए, हर 3-3 मिनट बाद वो 4th वाले को फिर इस पर लगाइए, फिर एक और फ्री हो गया उसको फिर ठंडे में लगाइए, मींस एवरी 3 मिनट्स यू हैव टू रिसाइकिल इट, राइट। तो आप देखेंगे टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, हाई रहेगा 102-103, लेकिन और हाई नहीं होगा, मतलब आप लड़ने का मौका दे रहे हैं। इट्स लाइक आपने देखा सुल्तान में वो चीयर अप कर रहे थे सुल्तान को, इट्स लाइक चीयरिंग अप द बॉडी कि हम साथ में हैं, एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिव जोन भी है, राइट, बिल्कुल नहीं घटाना, एट द सेम टाइम इतना बढ़े ना उसके लिए। पर अब आता है 3-step diet, कोल्ड कॉम्प्रेस प्लस 3-step diet, मैसिव डोज ऑफ विटामिन सी। उसको क्या करना है, मैसिव डोज ऑफ विटामिन सी, ये जो मिला है मुझे, एक तो होरोविट सी जिन्होंने बताया, फिर मैंने अपना कुछ रिसर्च किया, तो कुछ मेडिकल जर्नल्स, कम से कम 100 से ज़्यादा, उनमें से ये 4 बड़े मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो इसका रेफरेंस मैंने यहाँ लिख दिया है। आप चाहे तो मैं पूरा मेल कर सकता हूँ जर्नल की रिपोर्ट्स। सो इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसे पेशेंट्स को मैसिव डोज ऑफ विटामिन सी देना चाहिए। व्हाट इज मैसिव डोज ऑफ विटामिन सी, ये डिपेंड करता है पेशेंट के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। सो इट इज कॉल्ड 3-step diet। पहला दिन लिक्विड डाइट, Day 2 फ्लूइड एंड Day 3 सॉलिड डाइट। लिक्विड डाइट क्या है, वेट इन केजी बाई 10, ग्लास ऑफ मौसमी जूस। मान लीजिए कोई 60 केजी का आदमी है, तो 60 बाई 10 कितना होता है, 6 ग्लासेस ऑफ मौसमी जूस और 6 ग्लासेस ऑफ कोकोनट वाटर, कितना हुआ 12। तो यानी कि 12 घंटे में हर घंटे में 1 ग्लास मौसमी जूस, अगले घंटे में कोकोनट वाटर, मौसमी जूस कोकोनट वाटर, राइट। तो एक तो ये, दूसरा इसमें कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे कोकोनट वाटर नहीं मिल रहा इसी जगह पे, तो मौसमी जूस, कोई बोल रहा है मौसमी जूस नहीं मिल रहा तो कोकोनट वाटर 12 ग्लास कर सकते हैं, राइट, हर घंटे। ये कोकोनट वाटर बड़ा ही कमाल करता है, आप इसको देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, जब किसी पेशेंट को देंगे जो इस तरह के फीवर से गुजर रहा है, एक ही दिन में फीवर गायब हो जाएगा, राइट, बट नेचुरली, मतलब बॉडी ने फाइट ऑफ कर दिया। इट इज फुल ऑफ नेचुरल मिनरल वाटर, सबसे खास मिनरल वाटर भगवान ने बनाया है बॉडी को इंस्टेंटली ताकत देने का, और मिनरल हेल्प्स द बॉडी टू फाइट विद द वायरस। सो टोटल 12 हो गया, उस 12 में कितना मौसमी रखना है, कितना कोकोनट रखना है, सारे कोकोनट रखने हैं, सारे मौसमी रखना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपको मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा पेशेंट को ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। बट टोटल 12 होना चाहिए अगर 60 केजी का इंसान है, और ऐसा हर घंटे उसके धीरे 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 चुस्की ले लेके, कटकना नहीं है, चाय की तरह पीना है, शराब पीते ना धीरे धीरे उस तरह से पीना है। Day 1, तो Day 1 जिस दिन आपको लगा ऐसा कुछ है तो Day 1 उसको Day 1 diet, Day 2 diet इज फ्यूड डाइट। इसमें देखिए वो 60 केजी का है तो बाय 20 कितना हुआ 3, और बाय 20 कितना हुआ 3, तो टोटल कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 ग्लास यानी कि आधा हो गया वो, तो प्लस वेट इन केजी दैट इज 60 into 5 कितना हो गया 300
300 ग्राम्स ऑफ ये फ्लूइड टोमेटो एंड कुकुम्बर उसके अंदर देखिए फ्लूइड टाइप होता है, पूरा पूरा सॉलिड नहीं है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट। तो आपको ये बोलना है कि टोमेटो कुकुम्बर 300 ग्राम पूरे दिन भर में उसके पेट में जाना चाहिए। वो धीरे धीरे ले सकते हैं, एक बार में ले सकते हैं, जैसा मर्जी, बट ओवरऑल वो 60 केजी के आदमी के लिए 6 ग्लास और 300 ग्राम, 300 में से 150 ये और 150 ये, या फिर इसका रेशियो अपने हिसाब से डिसाइड कर लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। पूरे दिन भर में ये सारा खाना स्प्रेड करना है, यानी कि सुबह उठ का मैंने 6 ग्लास पी लिया, मेरा काम खत्म, पूरे दिन में स्प्रेड करना है राइट, तब असर ज़्यादा आएगा। धीरे धीरे पीना है तब असर ज़्यादा आएगा। डे टू डाइट, ड्यू डाइट, डे थ्री डाइट, सॉलिड डाइट, ब्रेकफास्ट। अब वो 30 कर दिया 60 केजी का आदमी है तो कितने ग्लास होगा टोटल? 2 प्लस 2 4 ग्लासेस। ब्रेकफास्ट इज 4 ग्लास ऑफ लिक्विड, इसमें 2 ग्लास है मौसमी जूस या ऑरेंज जूस या पाइनएप्पल जूस। मौसमी नहीं मिलेगा तो पाइनएप्पल मिलेगा, पाइनएप्पल नहीं मिलेगा तो ऑरेंज मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोकोनट मिलेगा। टोटल 4 ग्लास तो ब्रेकफास्ट में खत्म करना है 12 बजे से पहले। लंच, लंच इज द फ्लूइड लंच, दैट इज वही वाला 300 ग्राम जो अभी डे 2 में था। एंड डिनर, नॉर्मल होम कुक फूड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही रोटी दाल चावल सब्जी। अच्छा ये क्यों? क्योंकि जब ये खाएंगे तो ब्रेन को एहसास दिला रहे भाई सब कुछ ठीक है, तो घबराओ मत। तो ब्रेन बोलेगा मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, बॉडी में कुछ अजीब चीज आ रही है, इसका मतलब इमरजेंसी जोन है। तो ये ब्रेन को, उस पेशेंट को एहसास दिलाएगा, उसके ब्रेन को बोलेगा एवरीथिंग इज ओके। और उस वक्त तक, ये तीसरे दिन की बात है, द पेशेंट विल बी एक्चुअली ओके राइट। और तब पेशेंट का मन करेगा, खुद ही बोलेगा कि मुझे रोटी खाना है, मुझे चावल खाना है, मुझे दाल खाना है, मुझे सब्जी खाना है, मुझे राजमा खाना है, छोले भटूरे मतलब खाना है या पकौड़े खाने हैं। तो समझ लीजिए पेशेंट ठीक हो चुका है, तो वो दे देना उसको राइट। तो इफ यू डू दिस, इट टेक्स जस्ट 3 डेज, मैक्सिमम 3 डेज, इट टेक्स जस्ट 72 आवर्स राइट। तो अब आपके पास ये है कि आप देखिए कहीं कुछ मिल जाए कोई बुखार वाला आदमी, तो बस वो तो गया एक्सपेरिमेंट करने को, आपके पास गिनी पिग मिल गया राइट। और कई सारे लोग जिन्होंने बताया क्योंकि घर में कोई ना कोई अभी बुखार है, तो आप तो बस पहुंचे घर और शुरू कर दें, बल्कि फोन पे भी आप शुरू कर सकते हैं ताकि तैयारी हो जाए। तो अब यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, डोंट एवर गो टू द हॉस्पिटल राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। कई बार लोग पूछते हैं अगर कुछ हो गया तो, अगर कुछ हो गया, अगर पेशेंट मर गया तो? मर नहीं सकते डेंगू के वायरस से। डेंगू का वायरस आता कैसे बॉडी में बताइए? कैसे आता बॉडी तक कैसे पहुंचता है? मच्छर से आता है। तो डेंगू के वायरस से जब वो मच्छर नहीं मर सकता तो आप कैसे मरेंगे? हाँ पहले वो मच्छर मरेगा ना, क्योंकि उसको भी तो डेंगू हो गया है, वो तो मरा नहीं। तो डेंगू के वायरस से आप मर नहीं सकते फॉर श्योर, लेकिन जब वायरस अंदर आया तो उसको तो हमने किया क्या बॉडी के साथ, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल राइट, दैट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो घबराइए नहीं, आप मर नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता राइट, यही करना है। बाकी हमारी इम्यूनिटी जो है दैट इज द बेस्ट वेपन। या फिर आप ऐसा कर लीजिए प्रिवेंटिव डाइट, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल चल रहा है, तो एक हफ्ते के लिए हम सब, आप सब प्रिवेंटिव डाइट पे चले जाइए ताकि प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वायरस। हाउ डू यू डू दैट? डे 3 डाइट राइट, स्टेप 1, एक हफ्ते तक डे 3 डाइट पे रहिए। डे 3 डाइट मैंने बता दिया, मैं आपको कार्ड में दे भी दूंगा। आर्टिफिशियल फीवर फॉर 7 डेज, बॉडी में आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट करना है। उससे क्या होगा कि अगर कुछ वायरस कभी घुसा ही घुसा होगा, जब भी वायरस अंदर एंटर करता है हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद आपको असर पता चलता है। तो नया नया वायरस गया होगा तो वहीं पे वो अरेस्ट हो जाएगा बाय डूइंग एन आर्टिफिशियल, क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल फीवर इन द बॉडी। अच्छा आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट कैसे करना है? थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, एक बड़ा टब ले लीजिए, खरीद लीजिए बड़ा टब जिसके अंदर आप बैठ सकें, और उस टब में गर्म पानी, इतना गर्म कि आप उसे सह सकें आराम से, गर्म पानी डालिए विच इज कंफर्टेबली आप सह सकें, और ऐसा आप 15 मिनट तक बैठे रहेंगे तो आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर है वो लगभग 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा, और बढ़ा हुआ आधे घंटे तक रहेगा, और ऐसा आपको रोज करना है 7 दिन तक। तो अगर कोई वायरस घुस गया होगा जो आगे थोड़ा मैनिफेस्ट होने के बाद फिर वो फीवर आएगा ब्रेन में, लेकिन आपने पहले ही प्रिवेंटिवली डे 3 डाइट को एक हफ्ता फॉलो किया और वो आर्टिफिशियल फीवर भी क्रिएट कर लिया बॉडी में नहाने के वक्त, एंड देन दैट इज की वो वायरस इससे पहले कि अपने पंख फैलाए और बढ़े और ब्रेन कुछ करे, उससे पहले ही आपने उसको वहीं पे रोक दिया, उसको वहीं पे अरेस्ट कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड द प्रिवेंटिव डाइट राइट। सो विद दैट वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे डायबिटिक एजुकेटर्स और हम सब मिलके इसको फॉलो करेंगे। कितने एजुकेटर्स हमारे यहाँ पर? या थैंक यू सो। हाँ एनीथिंग।
एक्सट्रीम बात है, सुना बात है, इवन जब वो रनिंग करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर 1.8 डिग्री बढ़ जाता है, दैट इज आल्सो आर्टिफिशियल फीवर. एनीथिंग जिससे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए और बढ़ा हुआ थोड़ी देर तक रहे, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल फीवर. राइट, सर बात भी हो सकता है. राइट, सो विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस. आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, वो फीडबैक फॉर्म भरिए एंड उसके बाद वो फीडबैक फॉर्म आप एक्सचेंज कीजिए. फीडबैक फॉर्म जब देंगे तो इन एक्सचेंज आपको वो कार्ड मिलेगा. उस कार्ड में जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज बोली है वो प्रिंटेड है, लिखा हुआ है, जिससे आप अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखेंगे. आप आए, हम मिलते रहेंगे. आपका धन्यवाद. थैंक यू. नेशनल खबर, सब पर नजर.